कल चंबर रिवर फ्रंट की सौगात मिली थी, आज सिटी पार्क जनता को समर्पित करने जा रहे हैं सीएम, क्या कुछ जानकारी? सिटी पार्क एक्चुअली में जिस वजह से बनाया गया है वो तनाव को कम करने के लिए बनाया गया है। ये 120 करोड़ की लागत से बना सिटी पार्क है जो शहर के बीचों बीच स्थित है, 75 एकड़ में फैला हुआ है। पार्क में हरियाली इस तरीके से ज्यादा रखी गई है, पेड़ पौधे की संख्या इतनी ज्यादा रखी गई है कि ये 4 किलोमीटर के रेडियस को मतलब 4 से 5 डिग्री तक कम करने में सक्षम है और कम कर देगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। और सिटी पार्क में जो विशाल आइवरी टावर बना हुआ है जिसमें 50 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी रखे जाएंगे, 40 फीट ऊंचा काइनेटिक टावर बदलेगा, जो काइनेटिक टावर बनाया गया है जो हवा के साथ अपना रुख बदलेगा और अपना स्वरूप बदलता रहेगा। तो इस तरीके से उल्टा पिरामिड लोगों को आकर्षित करेगा। मैसूर के जो शीश महल है उसकी तर्ज पर यहाँ पर ग्लास हाउस बनाया गया है, वो देखने लायक चीजें हैं। इस तरीके से पार्क वहां पर 1800 मीटर लंबी एक नहर भी बनाई गई है, कृत्रिम नहर बनाई गई है, कृत्रिम पहाड़ बनाए गए हैं, कृत्रिम झरने बनाए गए हैं। तो एक स्वप्निल संसार फिर रचा गया है सिटी पार्क के लिए। जिस तरीके से चंबल रिवर फंड बनाया गया है उसी तर्ज पर सिटी पार्क का भी निर्माण हुआ है और आज सीएम उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। कोटा में सीएम पहुंच चुके हैं और सिटी पार्क में मुश्किल से 2 मिनट बाद पहुंचने वाले हैं। जी प्रणय, अगर हम बात करें ग्रीन जोन की, जहाँ आपने कहा बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं और एक तनाव दूर करने के लिए जब बात होती है तो हर इंसान को कहा जाता है कि प्रकृति के पास जाए। खास तौर से अगर हम छात्रों की बात करें, वहाँ जो पढ़ने आते हैं, उन्हें डिस्ट्रेस करने के लिए, उन्हें तनाव से दूर करने के लिए इस पार्क में क्या कुछ विशेषताएं हैं? देखिए, पार्क में सबसे ज्यादा खास बात है कि इसकी ग्रीनरी है, जो 4 से 5 किलोमीटर के एरिए को ऑक्सीजन प्रदान करेगा और पोल्यूशन फ्री करेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और क्योंकि इसी पार्क के चारों तरफ कोटा कोचिंग है, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो यही है, कोचिंग हब के बीचों बीच ये बना हुआ है, सारे कोचिंग विद्यार्थी इसी इलाके में रहते हैं। जो पार्क है इसके चारों तरफ हॉस्टल्स हैं, विद्यार्थी रहते हैं, तो करीब 2.5 लाख बच्चे कोटा में पढ़ने आते हैं, उसमें से करीब 1.5 लाख बच्चे इसी कैंपस में रहते हैं, इसी पार्क के सराउंडिंग में रहते हैं। तो ये 4 किलोमीटर के रेडियस में जब ऑक्सीजन देगा, प्रदूषण दूर करेगा, तो कहीं ना कहीं तनाव मुक्ति का साधन भी रहेगा। यहाँ पर तनाव का ध्यान को आकर्षित करने के लिए, ध्यान रखने के लिए और ध्यान योग आदि क्रियाएं करने के लिए भी कई जगह बनाई गई है और करीब 120 मतलब जिस तरीके से इसका फैलाव है जी, 75 एकड़ में फैला हुआ है, कृत्रिम झरने हैं, नहरें हैं, पक्षियों के लिए 150 से ज्यादा प्रजातियों के लिए, पक्षियों के लिए प्रणव, क्योंकि इतनी प्लानिंग से पार्क बनाया गया है। कल चंबल रिवर फ्रंट भी आपने दिखाया था, बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। क्या यहाँ पे कोई लाइब्रेरी, साइंस पार्क, कुछ थीम पार्क इसके अंदर है? क्योंकि अब सिटी जो कोटा है एजुकेशन हब से टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रही है, तो अगर हम छात्रों की विशेष रूप से बात करें, कोई लाइब्रेरी, साइंस पार्क, क्या इस तरह के कोई थीम है यहाँ पर? जी, साइंस से रिलेटेड जो वनस्पति विज्ञान है उसके सारे पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं, पौधों पे उसका नामकरण लिखा गया है, नाम लिखा गया है। बॉटनी के जो स्टूडेंट हैं, साइंस के जो बच्चे हैं, उनके लिए ये कारगर सिद्ध होगा कि वनस्पति से जुड़ने का, पर्यावरण से जुड़ने का, प्रकृति से जुड़ने का, यहाँ पक्षी है, पहाड़ है, नदी है, नहर है, पानी है, झरने हैं और समस्त तरीके से जो शीश महल जो बनाया गया है वो मैसूर की तरफ से बनाया गया है, ग्लास हाउस जो है कहा गया है उसमें एक लाइब्रेरी का प्रावधान भी है जहाँ पर बच्चा तनाव मुक्त होकर पढ़ाई कर सकता है, निर्विघ्न रूप से वहाँ बैठ सकता है, उसका कोई शुल्क नहीं है। जी बिल्कुल प्रणव, मैं यही पूछना चाह रही थी क्योंकि इतना खूबसूरती इसको डेवलप किया गया है, इसकी देखरेख में काफी खर्चा वहन करना पड़ेगा सरकार, तो क्या कोई एंट्री टिकट लगेगी इसमें? कौन जा सकेंगे? क्या कुछ समय रहेगी? क्या कुछ जानकारी इस बारे में? मेंटेनेंस के लिए यूआईटी ने इसका शुल्क रखा है, लेकिन जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से चंबल रिवर फंड को 2 माह के लिए फ्री किया गया है, निःशुल्क किया गया है, उस तरीके से इसको भी निःशुल्क किया जा सकता है, मुख्यमंत्री आज घोषणा कर सकते हैं, संभावना इस बात की, कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि छात्रों के लिए निःशुल्क रहे, लेकिन अभी इसका फिलहाल कोई ताजा अपडेट आया नहीं है। फिलहाल तो जो इसका शुल्क है वो निर्धारित किया गया है, उस शुल्क से ही वहां पर सशुल्क प्रवेश दिया जाए, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए शुल्क जरूरी है। 75 एकड़ में फैला हुआ है, स्टाफ लगा हुआ है, तो उसका अपना एक मेंटेनेंस है, उस मेंटेनेंस के लिए मेंटेन करने के लिए कम से कम दर पर इसका शुल्क रखा गया है, ये यूआईटी की एक अच्छी सोच है। बिल्कुल प्रणय, अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं तस्वीरें और कोटा पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जहां कई
कार्यक्रमों में आज शिरकत करेंगे। वहीं अभी सिटी पार्क का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो आपको बता दें, एक और सौगात कोटा वासियों को आज मिली है। प्रदेश की जनता के लिए एक और खुशी का दिन है, जहां कोटा को आज सिटी पार्क की सौगात मिली है। कई विशेषताओं को अपने आप में समेटे हुए बहुत ही खूबसूरती से, सोच विचार से इस पार्क को विकसित किया गया है, जहां पर अब कोटा टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी माना जाएगा, पहचाना जाएगा। 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं हर साल, यहाँ से कई देश के इंजीनियर डॉक्टर निकलते हैं। लेकिन अब टूरिस्ट यहाँ आएंगे, जब भी राजस्थान पहुँचेंगे तो बाकी पर्यटक स्थलों के साथ में अब कोटा भी उनकी गिनती में शुमार हो जाएगा, चाहे वो चंबल रिवर फ्रंट की बात करें, आज इसकी बात करें सिटी पार्क की। आपको बता दें, कोचिंग सिटी में अब जो अपना करियर बनाने के लिए आएंगे वो इस पार्क में भी घूम सकेंगे, रिसर्च कर सकेंगे। ऑक्सीजन पार्क